मूवी की स्टार्टिंग में हम सोफिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड नाचो के साथ इंटीमेट हो रही थी। वो दोनों साथ में लिविन में रह रहे थे। वो दोनों करीब आते हैं और इसके बाद सोफिया अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। नाचो भी अपने जॉब पर अपने क्लाइंट्स को हैंडल करता है। नाचो रियल इस्टेट में काम करता था। सोफिया जिस इंटरव्यू के लिए गई थी वहां पर उसे सेक्रेटरी का जॉब करना था। ये सिटी के सबसे बड़ी कंपनी की ओनर बीट्रिस की सेक्रेटरी की जॉब थी। सोफिया बहुत ही इनसिक्योर फील कर रही थी क्योंकि उससे भी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स वहां पर थे। उसकी एजुकेशन भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, पर फिर भी उसने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिए हुए थे। जब सोफिया का इंटरव्यू चल रहा था तभी उसी के बीच एक क्लाइंट का कॉल आता है। बीट्रिस ने उसे कहा कि इस क्लाइंट को तुम हैंडल करो। सोफिया ने जिस तरीके से उस क्लाइंट को हैंडल किया वो बहुत ही बेस्ट था। बीट्रिस इस बात से इंप्रेस्ड हो जाती है और सोफिया को एज ए सेक्रेटरी जॉब मिल जाता है। इसके बाद सेलिब्रेट करने के लिए सोफिया और नाचो दोनों इंटीमेट होते हैं। सोफिया नाचो को बताती है कि ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंडर वो काम करने वाली है वो एक सेल्फ मेड वुमन है। मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सोफिया बीट्रिस के सक्सेस से काफी अट्रैक्टेड थी। वो उसी टाइप के सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करने के लिए रेडी थी। उसे बीट्रिस जैसा ही बनना था। अब हम सोफिया को बीट्रिस के साथ देखते हैं। वो एक मीटिंग में थी। बीट्रिस आगे रहकर सोफिया को लीड करती है। उसे बताती है कि मीटिंग रूम में उसे कब आना है, किस तरीके से उसे ऑर्डर देगी और उसे सब कुछ वो गाइड करती है। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद सोफिया बाहर से मीटिंग को देखने लग गई। मीटिंग बहुत ही ज्यादा लॉन्ग चलती है। रात हो चुकी थी और सोफिया फिर वहीं पर सो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद बीट्रिस सोफिया के पास आई। सोफिया सोई हुई थी तो उसने उसका मोबाइल चेक किया। वो सोफिया के बॉयफ्रेंड की फोटो देखती है और फिर जल्दी से फोन रख देती है। इसके बाद उसने सोफिया को उठाया और उसे घर जाने के लिए कहा। रात में बीट्रिस एक रैंडम एस्कॉर्ट को कॉल करती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। उसकी एज अब ज्यादा हो गई थी और इसी वजह से वो एफर्ट्स नहीं डालना चाहती थी। उसकी डिजायर कंप्लीट करने के लिए यही वो किया करती थी। जब वो रैंडम लड़का उसके पास आता है तो उसके साथ जब वो इंटीमेट हो रही थी तो बीच में ही रुक जाती है। उसे बहुत ही इरिटेटेड फील होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम बीट्रिस को एक डॉक्टर के पास देखते हैं। वो बातों बातों में कहती है कि आजकल के जनरेशन के बच्चे किसी भी चीज के लिए तभी रेडी हो जाते हैं, किसी भी चीज के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते। इसके बाद हम बीट्रिस को बाथटब में देखते हैं, जहां पर वो खुद को प्लीज कर रही थी। उसके भी कुछ नीड्स थे पर एज ज्यादा होने की वजह से इस पर वो कुछ काम नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट सीन में हम सोफिया को देखते हैं जो रोज अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी। इसके बाद सोफिया और नाचो होटल में डिनर कर रहे थे। सोफिया नाचो से कहती है कि अगर हमें आगे चलकर फैमिली बनानी है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो अपने लाइफ में बीट्रिस की तरह सक्सेसफुल होना चाहती थी। बीट्रिस ने हमेशा अपने काम पर फोकस किया और इसी वजह से उसे कोई भी बच्चा नहीं है, उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। फैमिली एक डिस्ट्रैक्शन होती है और इसी वजह से सोफिया भी ये नहीं चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सोफिया नाचो के बेबी से प्रेग्नेंट है। ये बात सोफिया के लिए बहुत बड़ा शॉक था। वो चर्च जाती है और फादर से कन्फेस करती है कि मैं अब माँ नहीं बनना चाहती, अपने अंदर पल रहे बच्चे को अबॉर्ट करने वाली थी। फादर ने सोफिया को समझाने की कोशिश की कि दुनिया में इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। सोफिया रोते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बीट्रिस और सोफिया एक मीटिंग के लिए गए थे। वहां पर सोफिया बहुत ही अच्छी तरीके से बीट्रिस के क्लाइंट को हैंडल करती है। उसने बीट्रिस को भी बहुत ही अच्छी कंपनी दी। खुश होकर मीटिंग खत्म होने के बाद बीट्रिस सोफिया को अपनी कंपनी में एक परमानेंट जॉब ऑफर करती है। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश हो गई थी। सोफिया फाइनली उस कंपनी का हिस्सा है और साथ में बीट्रिस की असिस्टेंट भी उसे कंपनी में एक हायर पोस्ट दिला रही थी। इसके बाद सोफिया को एक कंपनी के एम्प्लॉय को फायर करना था। उस एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने का काम सोफिया का था। सोफिया उस एम्प्लॉय के पास गए, वो एक लेडी थी। सोफिया ने उससे कहा कि आपने 10 दिन हॉलीडे के लिए छुट्टी ली थी और इसी वजह से कंपनी ने आपको यहाँ से निकालने का फैसला लिया है। वो कहती कि मेरा रीजन वैलिड था, 10 दिन की हॉलीडे में बीमार थी इस वजह से लिया था, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। उस लेडी को बेबी हुआ था और इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम आई थी। ये सब सुनने के बाद भी सोफिया उसकी बात नहीं मानती और फिर एम्प्लॉय को कंपनी छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बीट्रिस और उसकी कंपनीज के वैल्यूज में था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर वो अपने काम पर 100% फोकस नहीं कर पाएगी, कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। और इसी वजह से जब भी एम्प्लॉयज प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उन्हें फायर कर दिया जाता था। सोफिया उस एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाने के बाद बीट्रिस की कैबिन में आती है। बीट्रिस सोफिया से कहती है कि जिन लोगों को बेबी हो जाता है वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, ऐसे लोग मेरी कंपनी के लिए यूजलेस है। ये सुनकर सोफिया रोने लग गई क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। रोते हुए सोफिया को वोमिटिंग हो गई। ये देखकर बीट्रिस समझ जाती है कि सोफिया भी प्रेग्नेंट है। सोफिया को रियलाइज हो गया था कि अब उसका जॉब चला जाएगा। अब सोफिया इस बेबी को अबॉर्ट करने वाली थी ताकि इस कंपनी में वो रह सके। अपने लाइफ में सक्सेस उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सब बात वो बीट्रिस को बताती है।
वो कहती कि प्लीज मुझे कंपनी से मत निकालो, वो कुछ भी कर सकती थी। बियट्रिस सोफिया से पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इसके बारे में तुमने किसी को बताया हुआ है? सोफिया कहती कि सिर्फ आपको पता है, मैंने ये बात मेरी बॉयफ्रेंड या फिर फैमिली किसी को भी नहीं बताई। नेक्स्ट सीन में हम बियट्रिस को अपने लॉयर के साथ देखते हैं। वो डिस्कस कर रही थी कि सरोगसी किन किन चीजों में लीगल और इलीगल है। उसका फ्रेंड ये पूछने का उसका रीजन पूछता है। बियट्रिस कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ पर मुझे शादी नहीं करनी। मेरी कंपनी में सोफिया नाम की एक एम्प्लॉई है, मेरी असिस्टेंट है और वो प्रेग्नेंट है। अपने जॉब छूट जाने के डर से वो बेबी को अबॉर्ट करवाना चाहती थी, अब उसी बेबी को मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ। बियट्रिस के फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसे हेल्प करने का वादा करते हैं। बियट्रिस भी सोफिया से बात करती है, कहती है कि मैं तुम्हारे बेबी को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, इससे तुम्हें भी फायदा होगा और मैं भी माँ बन सकूंगी। सोफिया इस बारे में सोचने लग गई, पर इनिशियली उसे आइडिया सही नहीं लगता। उसे डर था कि उसे बाद में जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऑलरेडी उसने ज्वाइन करने के वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए थे, ये क्राइम था और इस वजह से उसे जेल में भी डाला जा सकता था। सोफिया फिर सोचती है कि अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। फाइनली फिर वो बियट्रिस को अपना बेबी देने के लिए रेडी होती है। बियट्रिस सोफिया से कहती है कि प्रेगनेंसी के बचे हुए मंथ्स में तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो चाहती थी कि सोफिया के प्रेग्नेंट होने की बात उसके अलावा किसी को भी नहीं पता चले। बियट्रिस सोफिया के हर एक चीज का ध्यान रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि सोफिया को प्रेगनेंसी के वक्त सभी चीजें मिले, उसकी अच्छे से केयर हो। इसके लिए अब सोफिया को अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर जहां पर भी बियट्रिस कहेगी वहां पर 6 मंथ्स के लिए जाकर रहना पड़ेगा। सोफिया इस बात के लिए मान जाती है और सरोगेट मदर के एग्रीमेंट पर साइन करती है। ऑफिशियली वो सरोगेट मदर बन गई थी। सोफिया फिर नाचो से मिलने के लिए जाती है। उसे कहती है कि मुझे इस सिटी छोड़कर जरा दूर जाना पड़ेगा। 6 मंथ्स के लिए वो प्रोजेक्ट पर काम करेगी, उसके बाद वो वापस आएगी। उसे कहती है कि मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिली है और सैलरी भी डबल हो चुकी है। ऐसा एक्चुअल में भी होने वाला था। सोफिया को सरोगेट मदर बनने के लिए बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। कंपनी में भी उसे प्रमोशन मिल रहा था, इस डील से उसका बहुत फायदा था। नाचो को सोफिया की बात अच्छी नहीं लगती, नहीं चाहता था कि सोफिया उसे छोड़कर कहीं पर भी जाए। वो सोफिया को जाने के लिए मना करता है पर सोफिया ने फाइनली उसे कन्विंस कर ही दिया। बियट्रिस एक दिन सोफिया को शहर से बाहर काफी दूर जगह पर एक लग्जरियस घर पर लेकर जाती है। वहीं पर सोफिया रहने वाली थी। उस घर को देखकर सोफिया बहुत ही अमेज हो जाती है। घर में सोफिया को प्रेगनेंसी के वक्त जो भी लगेगा वो हर एक चीज थी। सोफिया के लिए बियट्रिस ने एक प्राइवेट शेफ भी अपॉइंट किया था। सोफिया के लिए बेस्ट फूड क्या रहेगा ये सब डिसाइड कर वही सब उसके लिए कुक करने वाले थे। यहाँ पर स्विमिंग पूल, सोफिया की फेवरेट बुक्स, कॉस्मेटिक्स, उसे जो जो चीजें लगेगी ये सब कुछ वहां पर थी। इन सब चीजों की वजह से सोफिया के अर्लियर डेज वहां पर बहुत ही अच्छे से वो एंजॉय करती है। सोफिया का रूटीन कुछ इस तरीके से बन गया था, सुबह उठकर प्रेगनेंसी की एक्सरसाइज करनी थी, इसके बाद पूरे दिन सिर्फ आराम करना था। हर रात बियट्रिस उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछती थी, क्या सब कुछ ठीक है। ऐसे ही एक वीक सोफिया बहुत एंजॉय करती है। एक दिन जब वो अपना बुक रख रही थी तब उसने रियलाइज किया कि उसके कमरे में कैमरेज लगाए हुए हैं। इस बात से वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है क्योंकि हमेशा उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। रात में बियट्रिस घर आने के बाद सोफिया उसे पूछती है, क्या तुम मुझ पर नजर रख रही हो? बियट्रिस कहती कि मैं ऐसा नहीं कर रही। सोफिया उसे कैमरेज के बारे में पूछती है। बियट्रिस कहती है कि कैमरे सिर्फ सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए है, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोफिया कहती कि इस तरीके से सर्विलेंस में मैं नहीं रह सकती। बियट्रिस ने कहा कि मैं उन कैमरास को हटा दूंगी। फिर से सारी चीजें अब नॉर्मल हो गई थी। सोफिया की असिस्टेंट की पोजीशन पे कंपनी में दूसरी लेडी आ गई थी। बियट्रिस सोफिया से कहती है तुम्हें प्रमोशन चाहिए था, अब वो तुम्हें मिल चुका है। अब स्लोली स्लोली बियट्रिस का सोफिया की बेबी के लिए ऑब्सेशन बढ़ने लग गया था। हम देखते हैं कि सोफिया का सेलफोन खो गया था। वो काफी दिन से अपना सेलफोन ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे वो मिल ही नहीं रहा था। सोफिया को नाचो से बात करनी थी और इसी वजह से अपने मेड से वो सेलफोन मांगती है। हैरानी की बात ये थी कि मेड के पास भी सेलफोन नहीं था। सोफिया जरा टेंशन में आने लग गई। वो सोचती है नाचो अब क्या सोच रहा होगा। रात में जब बियट्रिस सोफिया से मिलने के लिए आई तो सोफिया बियट्रिस को बताती है कि मेरा सेलफोन गुम हो गया है। बियट्रिस कहती है कि कल मैं तुम्हें नया सेलफोन ला कर दूंगी। अब हम कुछ दिनों बाद सोफिया का अल्ट्रासाउंड देखते हैं। सोफिया का बेबी डिस्प्ले पर साफ साफ दिख रहा था। हम नोटिस करवाते हैं कि बियट्रिस उस बेबी को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे वो बेबी उससे बात कर रहा था। हम देख सकते हैं कि सोफिया से ज्यादा बियट्रिस ही उस बेबी के लिए ऑब्सेस्ड हो गई थी। सोफिया एक दिन अपने मेड को कहकर बंगले के ऊपर वाले रूम में जाती है। वहां पर बियट्रिस ने आने वाले बेबी के लिए कमरा बनाया था। उस कमरे में बच्चों के सारे फेवरेट खिलौने थे। सोफिया रियलाइज करती है कि बियट्रिस बेबी के लिए कितनी सीरियस है। इसके बाद बियट्रिस सोफिया के लिए एक पप्पी खरीद कर लेकर आती है, इससे सोफिया बोर नहीं होगी। एक दिन सडनली सोफिया रियलाइज करती है कि कुछ दिनों से मेड घर पर नहीं आई।
फिर उसे पता चला कि मेड को जॉब से निकाल दिया गया है। रात में स्विमिंग करते हुए जब सोफिया ने बीट्रिस को उस मेड के बारे में पूछा तो बीट्रिस उसे सही से जवाब नहीं देती है। वो सोफिया को अपने स्विमिंग के बचे हुए स्टेप्स पूरे करने के लिए कहती है। सोफिया गुस्सा होकर पूल से बाहर निकलने लग गए। बीट्रिस तभी आकर सोफिया को एक लात मारती है और वापस पूल में गिरा देती है। उसे कहती है कि तुम्हें स्विमिंग के स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसी के बाद तुम पूल से बाहर निकल सकती हो। सोफिया इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि इतनी छोटी चीज़ पर बीट्रिस को उसने फर्स्ट टाइम गुस्से होता देखा था। इस बात को इग्नोर कर देती है। कुछ दिन बाद सोफिया का बर्थडे था तो बीट्रिस को रिक्वेस्ट कर नाचो से वीडियो कॉल पर बात करने की रिक्वेस्ट करती है। बात करते वक्त सोफिया रोने लग गई थी। वो काफ़ी समय से नाचो से नहीं मिली थी। उसे लग रहा था कि नाचो से दूर जाने का फैसला उसका बहुत गलत था। सोफिया को ऐसे रोते हुए देखकर बीट्रिस कॉल कट कर देती है। इसके बाद बीट्रिस को पता चलता है कि सोफिया ने झूठ बोलकर उसकी कंपनी में जॉब लिया था। उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, वो एक सिंपल से कॉलेज से ग्रेजुएट थी। इस बात से बीट्रिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है पर फिर भी इस बात को सोफिया के सामने एक्सप्रेस नहीं करती। उस रात सोफिया बिना बीट्रिस को बताए उस जगह से भागने की कोशिश करती है। उसी वक्त वहां पर बीट्रिस आके उस सोफिया को रो रो कर इमोशनल करती है। सोफिया फिर बीट्रिस की बात मान के और कहती है कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। नेक्स्ट डे जब बीट्रिस अपने ऑफिस में थी तो अपने टैबलेट में देखती है कि सोफिया घर से भागने की कोशिश कर रही है। वैसे सोफिया ने बीट्रिस को उसके घर से कैमरेज निकालने के लिए कहा था पर बीट्रिस ने वो निकाले नहीं थे। इस चीज से बीट्रिस बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वहां के फेंस में इलेक्ट्रिसिटी थी। सोफिया की इस बात के बारे में पता नहीं था। वो फेंस के पास गई और झटका लगकर वहीं पर नीचे गिर जाती है। जल्दी से बीट्रिस वहां पर पहुंच के उसे मेडिकल हेल्प दिलवाती है। पैरेलल में हम नाचो को देखते हैं। वो सोफिया पर चीट करने वाला था पर तभी नाचो रियलाइज करता है कि वो सोफिया से बहुत प्यार करता है, ये उसके साथ नहीं कर सकता। अब नाचो सोफिया के ऑफिस पहुंचता है, वहां पर बीट्रिस नहीं थी। नाचो सारे एम्प्लॉयज को सोफिया का एड्रेस पूछता है। एक एम्प्लॉय नाचो को सोफिया के बंगलों के बारे में बता देता है। नाचो वे सीधा उस बंगलों की तरफ जाने लग गया। बीट्रिस को जब नाचो के बारे में पता चला तो अपना काम छोड़कर सीधे अपने कार से बैंगलोर की तरफ आने लग गए। नाचो सोफिया के पास पहुंच गया। गेट पर लगे कैमरे से वो बात करने लग गया। सोफिया नाचो को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। नाचो पुलिस को कॉल करने लगता है और पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ से वहां पर बीट्रिस आ रही थी। वो नाचो की गाड़ी को डायरेक्टली क्रैश कर देती है। उसी मोमेंट पर नाचो की डेथ हो गई। अगर नाचो पुलिस के पास पहुंच जाता तो बीट्रिस को अपना बेबी नहीं मिलता और ये कभी नहीं चाहती थी। बीट्रिस जब रियलाइज करती है कि उसने मर्डर किया है तो खुद रोने लग गई। बीट्रिस रात को घर पहुंची और उसने ऐसा बिहेव किया कि कुछ भी हुआ नहीं है। सोफिया भी इस तरीके से प्रिटेंड करती कि आज नाचो यहाँ पर आया ही नहीं था। बीट्रिस को उसके डॉक्टर फ्रेंड का कॉल आता है और उसे बताती है कि अल्ट्रासाउंड के लिए सोफिया को क्लिनिक आना पड़ेगा। सोफिया इस बात के लिए हाँ कह देती है। वो दोनों जब डिनर कर रहे थे तो सोफिया कुछ बहाना कर किचन में जाती है। वहां से एक वुडन पीस को लेकर पीछे से बीट्रिस पर हमला कर देती है। बीट्रिस वहीं पर नीचे गिर गई। जब बीट्रिस अनकॉन्शियस थी तो सोफिया ने बीट्रिस को पूरी तरीके से एक पिलर से बांध दिया। सोफिया एक नोकीली चीज लेकर बीट्रिस को बार बार चुभाने लगती है। उसे टॉर्चर करते हुए पूछती है कि नाचो कहाँ पर है। बीट्रिस उसे सच नहीं बताती। सोफिया फिर नहाने के लिए चली गई और बीट्रिस को वहीं पर वो बांध कर चली गई। बीट्रिस सोफिया से पानी मांगती है पर सोफिया उसे पानी भी नहीं देती। नेक्स्ट डे सोफिया बीट्रिस के पास आकर उससे पूछती है कि पैसे कहाँ पर है। उसने उसे लॉकर का पासवर्ड पूछा। सोफिया फिर उस लॉकर से पैसे निकाल लेती है। पैसे ले जाते वक्त सोफिया ने बीट्रिस से कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आई तो तुमने जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था इसके बारे में मैं सबको बता दूंगी, इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। इसके बाद सोफिया वहां से अपने पपी मैक्स को लेकर चली जाती है। तभी पीछे से बीट्रिस आके सोफिया पर अटैक कर देती है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग गए पर तभी सोफिया ने एक सीजर से बीट्रिस के पेट में स्टैब कर दिया। बीट्रिस की वहीं पर डेथ हो गई। मूवी के लास्ट सीन में हम सोफिया का घर जाते हुए देखते हैं। तभी उसका वाटर ब्रोक हो जाता है। उसके डिलीवरी का टाइम आ गया था और वहीं पर उसकी डिलीवरी होने लग गई थी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।